मुजफ्फरपुर से खबर है जहां उमा भारती का दर्द छलका है। पूर्व सीएम उमा भारती का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार मैं बनाती हूं और चलाता कोई और है। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर भी उमा ने कहा कि योजना लाती हूं लेकिन कोई मेरा नाम नहीं लेता, मेरे साथ शुरू से ही ऐसा संयोग रहा है। योजना को मंजूरी मिलने पर उमा भारती मंदिर पहुंची थी और उस दौरान उनका दर्द छलका, कहा कि सरकार मैं बनाती हूं लेकिन चलाता कोई और है। तो बता दें कि छतरपुर के हनुमान कुटी मंदिर में केन बेतवा परियोजना की मंजूरी पर प्रसाद चढ़ाने के लिए उमा भारती पहुंची थी और उस दौरान उन्होंने ये बात कही, कहा कि मेरे साथ शुरू से ही ऐसा संयोग रहा है, योजना लाती हूं लेकिन कोई मेरा नाम नहीं लेता, सरकार मैं बनाती हूं लेकिन चलाता कोई और है। मेरे साथ ये एक आनंद की बात होती है, सरकार मैं बनाती हूं चलाता कोई और है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का जब शिलान्यास हुआ तो मैं बीजेपी से बाहर थी और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो कांग्रेस वालों ने मेरा नाम नहीं लिया। उद्घाटन जब हुआ और बीजेपी वालों ने भी मेरा नाम नहीं लिया, शिलान्यास में मेरी मौजूदगी देखिएगा। अब केन बेतवा का समय होगा, मैं सांसद भी नहीं हूँ, तो जो प्रोटोकॉल का जो प्रॉब्लम आएगा आप देखिएगा उसमें क्या होगा। इसलिए मैंने तय किया हुआ है कि मैं पहले ही कह दूंगी कि नहीं, मैं इसी में खुश हूँ कि हो गया। मेरे साथ ये एक आनंद की बात होती। तो आपने सुना किस तरह से उमा भारती ने अपने मन की बात साझा की है। उमा भारती का कहना है कि सरकार मैं बनाती हूं, चलाता कोई और है। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि योजना लाती हूं मैं लेकिन मेरा कोई नाम ही नहीं लेता, मेरे साथ शुरुआत से ही ऐसा संयोग रहा है।